तुम रो क्यों रही हो माँ? वो रोएगी चंद्रा, अगर बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ जरूर रोएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लक्ष्मीपुर के सदानंद मुकुंद और उनके साथ तीन लोग और थे। तीन? कौन थे वो तीन लोग? इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, पर शायद इनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद आजी साहब का मैसेज आया था कि उन पर कोई एक्शन न हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैसेज ही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है तुम्हें सस्पेंड करें या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। चाहे कोई भी एक्शन ले ले, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कौन है, भले ही मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना गुस्से में आकर फैसला मत करो, पागलपन है ये। दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। एसपी ऑफिस को जो लोग तहस नहस कर सकते हैं वो साधारण लोग नहीं हो सकते। उन लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें सोच बदलनी होगी, दिमाग ठंडा करो। आप ही बताइए माधव भैया कि अब मैं क्या करूं। पापा, इस माँ की आंखों में मैं आगे से कभी आंसू नहीं देखना चाहता, और ठीक उसी तरह हम पड़ोस के गांव में ये जो घटना घटी है एम्बुलेंस वाली, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो एडवोकेट है ना आपके दोस्त, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि एसपी साहब की मदद से केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पुट अप करें। सेक्शन 164, इसके तहत गवाहों को रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी, इसलिए चाहते हुए भी वो गवाहों को बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी जांच पड़ताल होगी और ये काम करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। शंकर जी, आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? लॉयर को फोन लगाइए। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि एसपी साहब को मैं सही सलामत कोर्ट के अंदर ले जाऊं। ये जमाल की जुबान है। जब डिपार्टमेंट के अपने ही लोग दगा दे तो दुश्मन के सामने इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। रख लो इसे, अब आप यहाँ से जल्दी निकल जाए। मजीद, तुम अपनी टीम को कोर्ट के पास लेके आओ। अयप्पन से कहो कि कोर्ट तक जाने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी कर दे। अजू, पापा को पता चल गया? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम गाड़ी आगे लो जमाल। चौबीस घंटे खत्म हो चुके हैं। ये है एडवोकेट अरुण हमारे साथ। योर ऑनर, हमारे देश के विषय में कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी, जिसकी जानकारी हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रशेखर को मिली। उसे हम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। केस की अहमियत को देखते हुए इससे संबंधित गवाही को सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंप दिया जाए। बस मुझे यही कहना है। कानून के मुताबिक गवाही देने वाले के साथ लॉयर और जज के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। बाकी लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। एडवोकेट मनीलाल की। एडवोकेट मनीलाल, आपको भी बाहर जाने के लिए कहा। अपॉलोजीज मी लॉर्ड। जब एसपी चंद्रशेखर से उस दिन तुमने कहा कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम वाकई ऐसा कुछ करोगे, पर तुमने कर दिखाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही रिकॉर्ड होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को लेकर ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा।
अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे? मरने वाले एसपी चंद्रशेखर और मणिलाल के बीच पहले से दुश्मनी थी, पैसों को लेकर अनबन हुआ करती थी। पीने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। आने वाले 2-3 दिनों में पुलिस के साथ साथ ये सारी बात मीडिया में भी पहुंच जाएगी और हमारा ये काम करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग। बाद में सारी बातें दब भी जाएंगी, सही कह रहा हूँ ना? लेकिन उस वकील ने अगर कहीं मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट है उसकी पत्नी के नाम पर हमने बहुत बड़ी जमीन रजिस्टर करवा दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं देने वाला, अगर दे भी दिया तो और भी वकील हैं। कहानी वापस पहले से ही शुरू हो चुकी है। एंड द सेम ओल्ड स्टोरी। यही है वो अच्छी आने दो, सबको आने दो। शिकार करने का मजा भी तभी आता है जब शिकार अपने बिल से बाहर निकल आए। लगता है इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ। क्या चाहिए? जिंदगी को खेल समझ लिया है? 3-4 साथी क्या मिल गए तुझे? तूने सोच लिया कि तू अपनी मनमानी करेगा? मरने वाला भले ही एसपी चंद्रशेखर था, लेकिन हार मेरी हुई है और जीतने के लिए मैं तुझे मार दूंगा। मारूं? अगर ये ट्रिगर दब गया ना तो तेरी इस खाली खोपड़ी के चीखड़े उड़ जाएंगे। उस एसपी की 13वीं के साथ तेरी भी 13वीं हो जाएगी। क्या बोलता है? दबाओ ट्रिगर। मैंने कुछ नहीं किया। अरे उसे सुनाने का क्या फायदा, उसे तो गन पकड़नी भी नहीं आती है। हमने किया है ये सब हम लोग। भूल गए हमें, काफी साल पहले तुम एक आदमी को जानते थे, रामदत्त शर्मा, याद आ रहा? तुम्हारे खेल के चक्कर में हम गांव के बाहर फेंक दिए गए। उसी रामदत्त शर्मा के हम बेटे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ तुम, चंद्रगिरी का माधव यानी। तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही था। तो ये सारी हरकतें जो हैं शुरू से, इन सब के पीछे तुम लोग ही हो। कलापुरा के रामदत्त शर्मा जो तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए भाड़े के टट्टू भेजे। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारे बाप को उस समय छोड़ दिया और आज उसके सपोरे आकर मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि रामदत्त शर्मा के बेटे इससे अच्छा काम कर पाए। लानत। और जिस तरह से आज घिनौने तरीके से तुमने उस कोर्ट रूम में एसपी चंद्रशेखर को मारा है, तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी वो सब आज के आज खत्म हो गई। इससे पहले कि मेरा शैतान जाग जाए, मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर सो चुका हूँ। चले जाओ यहाँ से। माधव, अगर सोच रहे हो कि हम तुम्हारी सहानुभूति का इंतजार कर रहे हैं तो गलत हो। वो रामदत्त शर्मा की जरूरत थी, पर आज हालात बदल गए। तब हम रोते थे पर आज नहीं। आज हमारा मकसद एकदम साफ है, तुमसे बदला लेने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और तुम्हें मौत के घाट उतारने से कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को। आज हमने अपने उन्हीं पुराने दुखों को इकट्ठा करके अपनी ताकत बना ली है। देख लो हम लोगों की तरफ, हम हैं अन्नपूर्णा ग्रुप। हमें माफी देने वाले तुम कौन होते हो? चलो निकलो यहाँ से। गिरी के माधव, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पापा पर हाथ उठाए? अच्छू, माफ कीजिएगा पापा। चंद्रगिरी के माधव मेरे पिताजी हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है, आदर्श हैं वो एक। सही को सही और गलत को गलत सिखाने वाले आदर्श गुरु हैं वो। उस मूर्ति को गिराने की कभी कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर फिर कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। ब्रदर, अपने भाई को जरा कंट्रोल में रखो, उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। उससे तो कम, वरना इस गुस्से को सफेद कपड़े में लपेट कर शमशान तक पहुंचा दूंगा। मेरे पापा को कभी भी अकेला मत समझना।
क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूं पहाड़ जैसा। ये बात तुम कभी भी मत भूलना। अच्छे लगे तुम्हारी बातें। माधव के अंदर जो जवानी का खून था वही तुम्हारे अंदर देख रहा है मुझे। थोड़ी ताकत और बढ़ा दो, कभी कमजोर हो तो जानते हो किससे लड़ रहे हो। हम तीनों को अच्छे से पहचान लो, हमारे बारे में सब कुछ अपने पिताजी से पूछ लो। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन ताकत मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, क्योंकि पैसा भले तुम्हारे पास ज्यादा है लेकिन अकल कम है। ब्रदर, जुनून अच्छी बात है, पागलपन नहीं होना चाहिए। जिद्दी होना अच्छी बात है, जिद पकड़ कर बैठना अच्छी। तुमने जितने भी कारतूस अपनी बंदूकों में भरकर रखे हुए चंद्रगिरी के माधव को ऊपर पहुंचाने के लिए कम पड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कुत्ते की तरह भौंकूं, सिर्फ काटता। ग्रहण तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम सबका सर्वनाश कर देगा। जो ये लो, कल रात 9:30 की फ्लाइट है। पापा बात ये है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये तुम भी जानते हो वो क्यों नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं बताता हूँ। आप शांत रहिए, इसे जवाब देने दीजिए। पापा पहली वजह, क्लासेस वैसे भी कल खत्म होने वाली है, कॉलेज वाले स्टडी लीव देंगे। और दूसरी वजह बताओ मुझे। पापा इस मुसीबत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी मुसीबत से मैं खुद निपट सकता हूँ, तुम टांग मत अड़ाओ। अगर पिता मुसीबत में हो तो ये बेटे का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे। 2 साल हो गए हैं चंद्रगिरी से बाहर रहते हुए इसे, इन 2 सालों में न जाने कितने ही मामलों को मैं खुद अकेले निपटा चुका हूँ। उस समय तो इसके बारे में कभी नहीं कहा कि इसकी मदद ले लूं। पापा अब सब बदल गया है, ये अन्नपूर्णा ग्रुप ये ठीक लोग नहीं लगते। कौन ठीक है कौन नहीं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। माधव अकेले अपने मामले निपटा सकता है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब जाओ। ठीक है। एक बेटे का दिल क्या चाहता है, एक बाप होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। आज मैं तुम्हारा बाप हूँ, पर कल किसी और का बेटा भी था। पर एक बेटे का दिल अपने बाप के दिल को कभी नहीं समझ सकता। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो बेटा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जाओ। अज्जू पे सख्ती करके आपने अच्छा नहीं किया साहब। जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, पर उसे अन्नपूर्णा गोडाउन क्यों लेकर आए, वो भी गन के साथ। वो गन तो एसपी चंद्रशेखर, पर उसके हाथ में गन देने से पहले तुम्हें सोचना था। गलती हो गई मुझसे। जमाल ध्यान से, एक बार जब गन किसी के हाथ लग जाती है तो जिंदगी भर शराब की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ती वो। अज्जू के बारे में मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा जाना निश्चित है? जाना तो पड़ेगा ही, तुमने सुना नहीं पापा का ऑर्डर? पापा को जानने के लिए पापा बनना जरूरी नहीं, अच्छा बेटा बनना ही काफी है, और मैं वही बन रहा हूँ। उनके साथ मैंने बहस इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था, पर मैंने एक बात अच्छी तरह से सोच ली है, मैं उनसे फोन पर बात करता रहूंगा। चंद्रगिरी में अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुरंत लौट आऊंगा। हे भगवान, दिया बुझ गया।
शायद तेल खत्म हो गया होगा। नहीं, तेल तो भरा हुआ है। तुम्हारा इस तरह से जाना शायद माँ को भी पसंद नहीं। सच है, आपको भी पसंद नहीं कि मैं इस घर को और पापा को छोड़कर जाऊं। अगर वाकई आपके और पापा के मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो फिर आप उनका मन क्यों नहीं बदल देती? आज जो हालात यहां हैं, उनमें मैं पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। प्लीज